हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका टिप्स में। देखिए, आज मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बनाने बैठी हूं। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं, क्योंकि मुझे बीच में बहुत सारे हेल्थ इशू हो गए थे जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही थी। और भैया, सबसे पहले अपनी सेहत है, जब तक सेहत ठीक नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने 2 मंथ्स प्रॉपर रेस्ट किया है और अब मैं भली चंगी हो गई हूँ, तो अब मैं दोबारा से वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही, मतलब आज हम डिस्कस करेंगे, शेयर तो मैं आपके साथ करूंगी, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम के बारे में जो लड़के और लड़कियां दोनों को हो जाती हैं। अब आप पूछेंगे, भाई ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो लड़कों को भी होती है, लड़कियों को भी होती है? तो वो प्रॉब्लम होती है ब्लैक हेड्स की। भाई स्किन तो सबकी एक जैसी होती है ना, पॉल्यूशन तो सबके लिए एक जैसा है। तो क्या होता है ना कि जब हम बाहर जाते हैं, पॉल्यूशन से क्या होता है, जो हमारे पोर्स होते हैं उनमें गंदगी भर जाती है, जिसे हम ब्लैक हेड्स कहते हैं। और जब वो गंदगी जम जाती है ना, तो उन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम पार्लर जाते हैं फेशियल करवाने के लिए, तो जब वो हमारे ब्लैक हेड्स निकालते हैं, सैलून में कोई भी जेंट्स जाता है या कोई लेडीज़ जाती है, तो बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया होती है। मतलब चीखें निकलती है जब ऐसे दबा दबा के हमारे ब्लैक हेड्स निकालती है ना, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इसलिए मैंने इसको यूज़ करके देखा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दिया जाए, हो सकता है आपके ये कुछ काम आ जाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि वो वाला प्रोडक्ट कौन सा है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हिप हॉप की स्किन केयर क्लींजिंग चारकोल नोज स्ट्रिप्स। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ करके देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप कैसे अपने ब्लैक हेड्स रिमूव करें, कैसे इसको यूज़ करें, तो आज की वीडियो पूरा मैं बताने वाली हूँ। आगे मैं डेमो भी बताऊँगी कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है, और इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये सिंपल सा एक कार्डबोर्ड की पैकिंग में इस तरीके से आता है, और इस पे लिखा हुआ है हिप हॉप स्किन केयर क्लींजिंग चारकोल नोज स्ट्रिप्स। नोज़ के लिए है ये बेसिकली पूरी तरीके से। इसमें लिखा है पेनलेस एंड इंस्टेंट रिमूवल ऑफ ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ऑयल एंड डर्ट। मतलब आपकी नोज़ के पास के जितना भी ऑयल है, डर्ट है, जैसे अब क्या है ना कि गर्मियाँ आ गई हैं, तो ऑयली स्किन वालों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि वो जब ऑयल जो हमारा जो नोज़ के आसपास जम जाता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब दिखता है। तो वो जो ऑयल और डर्ट है उसको रिमूव करता है, वाइट हेड के साथ साथ ब्लैक हेड्स को भी रिमूव कर लेता है। इसके अंदर आपको 3 स्टेप्स मिल जाती हैं। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ, तो इसका प्राइस लिखा हुआ है 99 रुपीज़, यानी कि 100 रुपीज़ ही है देखा जाए तो। मैंने इसको परचेज़ किया था purple.com से, तो मुझे पड़ गया था ये ओनली 90 रुपीज़ का। तो एक स्ट्रिप्स आपकी पड़ जाती है ओनली 30 रुपीज़ की। पीछे इसमें यूज़ करने का तरीका लिखा हुआ है कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। और सबसे पहले हम देखेंगे, ये होती हैं इसकी 3 स्ट्रिप्स। इस तरीके की आपको पैकेट मिल जाती है, तो 1 टाइम आप एक यूज़ करेंगे और 2 उठा के रख देंगे। फिर जब आपको लगेगा कि आपके ब्लैक हेड्स बहुत सारे जमा हो गए हैं, तो आप दूसरे स्ट्रिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग दे रखी है अलग अलग पैकिंग में, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए जल्दी से डेमो करते हैं और देख लेते हैं कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है। देखिए, मैंने सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करा है, तो आपको सबसे पहले किसी भी फेस वॉश से अपने फेस को क्लीन करना है। उसके बाद मैंने एक बाउल में लिया है गर्म पानी, और एक कॉटन को उसमें डिप करके मैं अपनी नोज़ पर स्टीम ले लेती हूँ। देखिए, स्टीम लेने से क्या होगा कि हमारे पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, और जितनी भी गंदगी है उसमें, जितने भी वाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं, वो ईज़िली रिमूव हो जाएंगे। देखिए, आपको अपनी नोज़ को थोड़ा सा गीला करके रखना है, आपको ड्राई नोज़ पर बिल्कुल भी इसको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये चिपकेगी नहीं। अगर हमारी ड्राई स्किन होगी तो ड्राई स्किन पर ये स्ट्रिप बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो मैंने थोड़ा सा अपनी नोज़ को गीला कर लिया है, उसके बाद हम इस स्ट्रिप्स को अप्लाई करेंगे। पहले हम कट कर लेते हैं और अंदर से निकाल लेते हैं। अंदर से ये बिल्कुल ब्लैक है, आपको दिख रही होगी। ऊपर से जो ये पॉलीथीन है इसको हम हटा देंगे, इसका जो कवर है उसको हटा देंगे, और इस तरीके से अपनी नोज़ पर इसको अप्लाई कर लेंगे। इस तरीके से लगाएंगे और फिर थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाए। मेरी नोज़ जो है वो गीली थी, स्किन जो है मेरी गीली थी, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये चिपक गई है। और इसमें लिखा है कि 10 मिनट तक आपको इसको छोड़ना है, उसके बाद देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। तो अभी से ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक होना शुरू हो गया है, तो ठीक है, इसको 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं और 10 मिनट के बाद देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, ये ऊपर से हो गया है बिल्कुल ब्लैक, जैसे कि डॉगी की नोज़ होती है। इस टाइम मेरी नोज़ बिल्कुल ऐसी लग रही है कि जैसे डॉगी की नोज़ होती है। इसको रिमूव करके देखते हैं कि कितने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हमारे निकले हैं।
बहुत ही हल्का सा पेन होता है इसको रिमूव करने में, जैसे कि चारकोल पील ऑफ मास्क जब हम हटाते हैं तब पेन होता है, उससे भी हल्का पेन होता है। तो मेरी नोज़ जो है वो ब्लैक ब्लैक हो गई है, तो मैं गीले टाल की हेल्प से इसको क्लीन कर लेती हूँ और फिर उसमें देखते हैं कि हमारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स कितने निकले हैं। तो नोज़ तो मेरे को बहुत ही क्लीन नज़र आ रही है, ये बिल्कुल ब्लैक हो गया है तो इसमें ब्लैक हेड्स तो नज़र नहीं आएंगे, पर वाइट हेड्स जो हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं कि बहुत सारे वाइट हेड्स जो हैं वो निकल चुके हैं, और नोज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जो ब्लैक हेड्स हैं वो भी रिमूव हो गए हैं, क्योंकि क्लीन हो गई है मेरी नोज़ एकदम। तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका, बहुत ही अच्छी स्ट्रिप्स है, तो आप एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।